दोस्तों, जो पानी से नहाता है वह लिवाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वह लिवाज बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है। दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में, और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ फिर से एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी को दोस्तों आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी कहानियाँ हमारा जीवन बदल देती है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकती है दोस्तों छोटी छोटी कहानियाँ। तो इस कहानी को भी दोस्तों आप पूरा जरूर देखें। तो बिना देरी के साथ दोस्तों यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कुछ बादल दोस्तों आसमान में जा रहे थे, तो उन बादलों ने डिसाइड किया कि हम अब 10 वर्षों तक बारिश नहीं करेंगे। जब यह बात दोस्तों किसानों को पता चली तो किसानों में दोस्तों हड़कंप सा मच गया कि अब तो 10 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे, हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। और कुछ किसान तो दोस्तों जो अपने हल थे जिससे वो खेतों में जुताई करते थे, वो उन्होंने अपने हलों को पैक करके अपने घरों में सुरक्षित रख दिया कि जब बारिश होगी तब हम हलों को निकालेंगे और अपने खेतों में जुताई करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक किसान ऐसा भी था जो कि अभी भी जुताई कर रहा था। तो एक दिन दोस्तों कुछ बादल नीचे से आ रहे थे, तो उन बादलों ने देखा कि ये किसान अभी भी जुताई कर रहा है। तो उन बादलों ने किसान से कहा, किसान भाई, हम 10 वर्षों तक बारिश नहीं करेंगे, लेकिन तुम जुताई क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों, किसान ने बहुत ही अच्छी बात कही, सुनना आप। किसान ने कहा कि मुझे पता है आप नहीं 10 वर्षों तक नहीं बरसोगे, लेकिन मैं जुताई इसलिए कर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि 10 वर्षों में मैं जुताई करना ही नहीं भूल जाऊं कि जुताई कैसे करते हैं। तो इस बात किसान की इस बात को सुनकर बादल भी घबरा गए। बादलों ने सोचा कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि हम भी 10 वर्षों में बरसना ही भूल जाएं कि कैसे बरसते हैं। तो बादलों ने डिसाइड किया कि हम जल्द से जल्द बरसेंगे। और जैसे ही दोस्तों किसान ने अपने पूरे खेत की जुताई कंप्लीट कर ली, वैसे ही दोस्तों बारिश झमाझम हुई, बहुत तेज बारिश हुई। दोस्तों, किसान ने बुआई कर दी और फिर लहलाती हुई अच्छी, बिल्कुल एकदम अच्छी फसल उगके तैयार हो गई दोस्तों। लेकिन जो किसान ने उन्हें अपना हल पैक करके अंदर रख लिया था, वह सिर्फ देखते ही रह गए, वह हाथ पे हाथ धरे ही बैठे रह गए और सिर्फ देखते ही रह गए।